चुनाव के पहले प्रदेश में भाजपा की विकास यात्राओं का दौर लगातार जारी है और यात्राओं के इस दौर में विकास यात्रा खरगोन पहुंची, जहां कुंदन नदी तट पर नगर पालिका के तत्वावधान में वृक्षारोपण करके उनको बड़ा करने का संकल्प भी लिया है। बताया जा रहा है कि प्रदूषण रोकने और पर्यावरण को शुद्ध बनाने की पहल की गई है, जिसमें निश्चित तौर पर लोगों में जागरूकता आएगी। इस अवसर पर SDM ओम नारायण सिंह, कल्याण अग्रवाल, बाबूलाल महाजन, भागीरथ कुमरावत, CMO प्रियंका पटेल सहित नगर पालिका कर्मचारी मौजूद रहे। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। पर्यावरण सदियों पहले से नदियों की पूजा, वृक्ष की पूजा, तो आज सौभाग्य की बात है कि नदी के किनारे वृक्षारोपण संकल्प के साथ सिद्धि कि यह नदी का शुद्धिकरण, गहरीकरण और सौंदर्यीकरण, वह भी संकल्प। ये जो भूमि है नदी किनारे, ये क्या बिया बाकी ज़्यादा घना उससे कम, पर एक घना गार्डन यहाँ बने, लोगों को घूमने के लिए एक सुंदर स्थान मिले, तो ये उसका दूसरा प्रयोजन। पर्यावरण, आप सब जागरूक नागरिक हैं, पर मेरे साथ मेरे जीवन में दो घटना, आप में से अगर मेरी जीनिंग कोई ने देखी हो जो नहीं डाली, तो जिस दिन हमने उसका मुहूर्त किया उसमें एक भी हरी पत्ती नहीं थी, तो एक कृषक कपास तो होती है। आज भी हम प्रकृति पर निर्भर हैं, वृक्षों की महत्ता हमने कोरोना काल में देखी है। प्रत्येक व्यक्ति इन्हीं वृक्षों की ऑक्सीजन को बड़ा सुलभता से प्रयोग करता था और कोरोना काल में इसकी महत्ता को प्रदर्शित हुआ है। इसको दृष्टिगत रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्राकृतिक संरक्षण के साथ साथ वृक्षों को लगाने पर जोर दिया और उसी के तारतम्य में वर्तमान में प्रत्येक जगह पर वृक्षारोपण हो रहा है। मुख्यमंत्री जी प्रत्येक दिन वृक्ष लगाते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, कुछ अवसरों पर वृक्षारोपण को प्रेरित करते हैं। राज्य सरकार इसको अभियान के तौर पर सभी जगह कर रही है और इसकी सबसे बड़ी महत्ता तब है कि इसमें आमजन अपनी भूमिका निभाता है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रत्येक जनता के हित के लिए कार्य होता है और जब इन कार्यों में जनता स्वयं भागीदार होती है तो वो व्यापक हो जाता है। और इसके महत्ता तो पूरे राष्ट्र में है, लेकिन खरगोन जिले में हमारे जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासनिक अफसर हैं, पार्षदगण हैं, इन्होंने वैसे भी काफ़ी प्रेरित करा है। आज इसी अभियान में विकास यात्रा के दौरान राज्य सरकार ने इस चीज़ की महत्ता को दर्शाया है और इसी तारतम्य में आज अपन वृक्षारोपण कर रहे हैं। इसका मुख्य संदेश है कि ये वृक्षारोपण एक निरंतर सतत अभिक्रिया है, हमें इसको जारी रखना है, अधिकतम वृक्षों को लगाना है। वृक्ष जीवन तो देते हैं, साथ ही अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करते हैं। और एक बसु बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने पहली बार सिद्ध करा था कि जो वृक्ष होते हैं उनमें जीवन होता है और उनको संगीत सुनाने से, उनके आसपास पॉजिटिव एक्टिविटी से उनमें वृद्धि होती है, पहली बार सिद्ध करा था और ये साइंस भी मानता है। और हमारे ऋषि मुनि जो पुराने सभी धर्मों के लोग थे, आपने देखा होगा प्रत्येक प्राचीन धार्मिक या महापुरुष वृक्षों या उपवन के आसपास ही रहते थे, कोई बहुत बड़े महात्मा नहीं रहा है। पर्वत रहने का तात्पर्य यह था कि वह एकांत में वन रहते थे और जहां वन रहते थे वहां प्राकृतिक रूप से आदमी बहुत मजबूत होता था, हर दृष्टि से व्यवस्थित रहता था। और अब यही हमारी नगर पालिका आसपास हमारे वनों को बढ़ा रही है, हम आशा करते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छा उपवन होगा। कि यहाँ पे काफ़ी सारी पार्किंग होती थी जिसकी हमें बार बार शिकायत मिलती थी, तो अध्यक्ष जी और हमारे सभापति जी, उपाध्यक्ष जी, इनके मार्गदर्शन में यहाँ का हमने जो प्लान किया है, इस पूरे एरिया में गार्डन डेवलप होगा, लैंडस्केपिंग का हमारा टेंडर भी हो गया है, रेट भी सैंक्शन हो गए हैं, तो संभवतः इस सप्ताह से हम यहाँ का काम शुरू करेंगे। चलने के लिए ट्रैक होगा और प्लांटेशन रहेगा, काफ़ी घना प्लांटेशन हम प्लान कर रहे हैं यहाँ पे। और ये जो दुकानें हैं, 40 दुकानें यहाँ पे आएंगी, आधी दुकानें बन गई हैं, आधी और जो है संभवतः इस माह में कंप्लीट होके उसकी फिर हम नीलामी तो नहीं करेंगे, नीलामी क्योंकि काफ़ी सारी रेट ज़्यादा आ सकता है, तो उसका हम लागत मूल्य पे राशि जमा करवा के और फिर लॉटरी के माध्यम से, ताकि सभी पात्र लोगों को उसमें लाभ मिल सके। इसके अलावा कुंदा की सफाई अभियान जैसे हमने शुरू किया था, अभी नए कलेक्टर महोदय आए हैं, उनके संज्ञान में डाल के और कैसे हम इसको आगे एग्जीक्यूट करेंगे इसका हमें भी प्लानिंग करनी रहेगी। इसके साथ ही आज का जो कार्यक्रम है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो परिकल्पना है कि प्रत्येक दिन हर व्यक्ति को एक पौधा लगाना है, जिससे हम अपने पर्यावरण के लिए हर दिन कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें। हमारा कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है जब हम पेड़ से बनी या लकड़ी से बनी कोई चीज़ का उपयोग नहीं करें,
तो हम पर्यावरण के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम क्या योगदान दे सकते हैं, उसी परिकल्पना पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 वर्ष पहले बात की थी, जिसके आज ही के दिन 2 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हर दिन, इनफैक्ट कोविड जब उनको हो गया था तब भी उन्होंने पौधा लगाना छोड़ा नहीं, तो उन्हीं के साथ हम भी इसका संकल्प लें, जो भी अपने खेत पे या घर के आसपास या अपने जहाँ जनप्रतिनिधि हैं तो अपने वार्ड में हम कहाँ पे लोगों को प्रोत्साहित करके वृक्षारोपण करवा सकते हैं, उस सभी के लिए आपका योगदान सराहनीय रहेगा। आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो सम्मानीय उपस्थित हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि 2-2 शब्द माननीय को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।